हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के एक सिंगर के बारे में जो आज सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं और उनका नाम है काका। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इनकी लाइफस्टाइल बताएंगे, इनकी सक्सेस स्टोरी बताएंगे, इनका स्ट्रगल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी अच्छा वीडियो है। सबसे पहले बात करेंगे इनके नेम से। काफ़ी लोगों को नहीं पता तो मैं आप सभी को बता दूँ, काका ही इनका रियल नेम है, लोग इनको प्यार से भी काका ही बुलाते हैं। चलिए बात करते हैं इनके बर्थ प्लेस के बारे में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, इनका जन्म हुआ है पटियाला में। बात करेंगे इनकी एज के बारे में कि कितने साल के हो चुके हैं। तो यदि आपको नहीं पता इनकी एज कितनी है तो मैं आपको बता दूं, 26 साल इनकी उम्र है और इतनी कम उम्र में ही आज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया है। बात करेंगे इनके नेशनलिटी के बारे में और रिलीजन के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं, इनकी नेशनलिटी है इंडियन और इनका रिलीजन है सिख। अब हम बात करेंगे इनके प्रोफेशन के बारे में। तो यदि आपको नहीं पता तो मैं आप सभी को बता दूंगा, इसे काफ़ी जो सिंगर तो है ही, इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर भी है और गाने भी ये लिखते हैं। मैं आप सभी को बता दूंगा, इस काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि इनका पहला गाना है केलेंदे, क्योंकि इस गाने से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। लेकिन जी नहीं दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे गाने दिए हैं और काफ़ी स्ट्रगल किया है। इसके बाद में जब इनके गाने फेमस हुए हैं तो लोग इनको सुनना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, इनका पहला सॉन्ग कौन सा था। यदि आपको अब तक नहीं पता तो मैं आप सभी को बता दूँ, इनका पहला गाना था सुरमा, जो कि काफ़ी अच्छा गाना था। लेकिन दोस्तों, इस गाने के बाद भी इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, काफ़ी लोग इनको जानने लगे थे, फिर भी इतने फेमस ये नहीं हुए थे और इन्होंने सिंगिंग छोड़ के जॉब करना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को नहीं पता तो मैं आप सभी को बता दूँ, इन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे इनके पास पैसे इकट्ठे हुए और इन्होंने एक गाना निकाला जिसका नाम आप सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, कह लें दे सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, जब से गाना इन्होंने निकाला है इनके लोग दीवाने बन चुके हैं, इनके गाने सुनने लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस गाने से इनको काफ़ी अच्छी पहचान मिली है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूँ, इन्होंने काफ़ी सारे और भी गाने दे दिए हैं अच्छे अच्छे मैं आप सभी को बता दूँ, उन गाने में है तीजी सीट, तेनू नी खबरा, काले दा लिबास, और भी काफ़ी सारे अच्छे गाने हैं इनके जो लोग सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आज इतनी मेहनत के बाद में काफ़ी बड़े सिंगर बन चुके हैं। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इनकी मंथली इनकम के बारे में, तो गाइस हम हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताएंगे, जो हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक है 2 से 5 लाख रुपये इनकी मंथली इनकम होगी हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक है। अब दोस्तों, काफ़ी लोग यह भी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई की है पटियाला से। यदि आपको नहीं पता इनकी कॉलेज का नाम क्या है और इन्होंने कौन सी चीज़ की पढ़ाई की है, तो मैं आप सभी को बता दूं, इनकी कॉलेज का नाम है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैं आप सभी को बता दूँ, आप इसे जानकर काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाओगे, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये 5वीं पास है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इन्होंने बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि ये सिर्फ 5वीं पास है, तो ये आपकी गलत फहमी है और ये एक अफवाह थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मैं आप सभी को बता दूं, काका काफ़ी ज़्यादा फेमस सिंगर बन चुके हैं, तो आपने इनके गाने नहीं सुने तो प्लीज़ आप सुनना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।